मेरे आदर्श हो आप, जीवन का हर संघर्ष हो आप, सीखा है मैंने आपसे ही लिखना, आखिर मेरे वजूद हो आप, आपसे ही सीखा है मैंने जीना, क्योंकि मेरे पहले शिक्षक हो आप, मेरा विश्वास मेरी हर आस हो आप, लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे तो आपकी रहमत लगती है, जो दिया मुझे इतना प्यार, जितनी मेहरबानी न कभी खुदा की होती है, क्योंकि मेरे पिता हो आप। चोट मुझे लगी थी, पर लगा सीने में दर्द दोगुना थे आपके, हाथ में फ्रैक्चर था मेरे, पर लगा हाथ से जान जा चुकी थी आपके। मैं बचपन से एक स्कूल में रही हूँ, 6th से एक बोर्डिंग स्कूल था JNV शाजापुर, और जब मैं वहाँ जा रही थी, मैंने उसके इस पर लिखा था, उस दिन नवोदय मैं जा रही थी, पर लगा दुनिया आपकी छीन रही थी, बुखार में मैं तप रही थी, पर लगा बीमार आप थे, नहीं जानती थी मेरी हालत क्या थी, पर मुझसे ज़्यादा बेहाल आप थे। मेरी ज़रूरत का आभास था आपको, मगर कैसे, यह आज भी एक सवाल है, नहीं है मेरे पास इन सवालों के जवाब, जो अभी भी मेरे सामने एक राज है। आखिर क्यों करते हो आप इतना प्यार, हम बेटियां हैं आपकी, या पिता कुछ खास हो आप? क्योंकि दुनिया में, दुनिया तो नहीं पर दुनिया का कुछ अंश देखा है मैंने, पिता की पुरानी छवियों को बिगड़ते देखा है मैंने, जहां लड़कों को आवारा घूमते, वहीं लड़कियों को बाहर जाने के लिए तरसते देखा है मैंने, रीतियों के नाम पर रूढ़िवादिताओं को पनपते देखा है मैंने, दहेज प्रथा के कारण बेटियों को जलते या बेटियों के डर से गर्भपात होते देखा है मैंने, बेटे और बेटियों में भेदभाव होते देखा है, तो कहीं बेटियों के वजूद का नाश होते देखा है मैंने, आपकी आंखों में नया संसार देखा है मैंने, जिसमें बेटियों के लिए नया विश्वास देखा है मैंने, जिसमें सारे सवालों का जवाब पाया है मैंने, आप इंसान नहीं, भगवान नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर हो मेरे लिए, हम बेटियां तो है आपकी, पर आप पापा कुछ खास हो मेरे लिए। थैंक यू।